द्वारा सामूहिक व्रत विश्राम का महोत्सव महानगर के प्राचीन मंदिरों व महंतों के विशेष सानिध्य में 101 दीपक को स्वास्तिक के रूप में सजाकर माता के चरणों में प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख राजनैतिक व सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों में मुख्य चिकित्सक, निर्यातक, व्यापारी, समाज सेवी, शिवसेना पदाधिकारियों सहित सैकड़ों शिव सैनिकों ने एकत्रित होकर सामूहिक व्रत विराम दिया व आधुनिक धार्मिक समस्याओं पर पूरी सक्रियता से चर्चा की व विचार विमर्श किया। धार्मिक मंत्रों व पवित्र आरती ध्वनि ने पूरा माहौल भगवा में कर दिया। इस दौरान वीरेंद्र अरोड़ा, शिवसेना जिला प्रमुख, ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सभी तरीके के राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर हिंदुओं से हिंदुओं को जोड़ना है। उन्होंने लुप्त होती हिंदू संस्कृति को बचाने हेतु समस्त लोगों से अपने गुरुकुलों को दोबारा शुरू करने व हर गरीब कमजोर हिंदू की मदद करने की सभी से अपील की। इस अवसर पर सैकड़ों शिव सैनिक मौजूद रहे। रवि कुमार के साथ अजय सक्सेना की रिपोर्ट। ये कम से कम एक भैया रामायण का पाठ, रामायण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, इन चीजों की अपने बच्चों को, जब हमारा बच्चा पढ़ने जाता है तो कम से कम हमारे परिवारों को, हमारे बड़ों को, हमारे बुजुर्गों को, अपने बच्चों को लेकर एक आध घंटे का समय निकाल कर अपने बच्चों को अपने पुरातन धर्म की शिक्षा भी देनी चाहिए। हम लोग जो कहते हैं, जितने भी मंदिर क्षेत्रों में हो, उन मंदिरों के पंडितों से बात करके अपने अपने क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा हफ्ते में दो बार जरूर ग्रहण कराओ कि रामायण कैसे है, गीता कैसे है, भागवत गीता के शंकर जी पे जल कैसे चढ़ाया जाता है, माँ पार्वती के ऊपर श्रृंगार कैसे करा जाता है, गणपति जी की आरती कैसे होती है। मैं एक जगह कार्यक्रम में गया, कहना नहीं चाहिए, बहुत बड़े बड़े लोग थे। बोले भैया आरती कौन गाएगा? अबे मैंने कहा यार कैसी बात कर रहे हो। बोले हम तो वैसे कार्यक्रम में आए, आरती याद नहीं है, हम हिंदू है, आरती याद नहीं है। तो लेकिन हम सब लोगों के लिए जरूरी है संकल्पबद्ध हो करके, अगर हमने अपने अपने बच्चों को इस धर्म पे शंख बजाने के लिए आना चाहिए, ढंकी बजानी आनी चाहिए। क्या नाम है आपका, क्या कार्यक्रम है? सामूहिक रूप से व्रत दिवाने का कार्यक्रम है। ये हमारा 15वां कार्यक्रम है जिसे लगातार शिवसेना कर रही है। हमारा मुख्य उद्देश्य कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्र के प्रति लोगों की भावनाओं को जोड़ना, हिंदुत्व के प्रति जागरूक करना और भगवा ध्वज को घर घर तक पहुंचाना, और धर्म के लिए जो लोग नवयुवक धर्म की तरफ से भटक रहे हैं उन लोगों को जो धर्म है उस तक जोड़ने का प्रयास करना शिवसेना का इसके माध्यम से कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं, जिसमें महानगर के समस्त संगठन, भले भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी, BSC, मिशन दो पद, जितने भी संगठन हैं और जितने भी राजनीतिक संगठन और सामाजिक संगठन है और सामाजिक लोग हैं, उन सब लोगों को हम आमंत्रित करते हैं। और शिक्षा में इस कार्यक्रम में लगातार लोग आते भी हैं और सभी लोगों का मुख्य उद्देश्य ये है कि एक ही मंच पर वो किसी भी पार्टी से या संगठन से जुड़ा हुआ आदमी हो, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य संगठन के इसके माध्यम से हम सब लोग अच्छे से अच्छी बात और राष्ट्र के प्रति जोड़ने के लिए एक ही मंच पर आए और हिंदुस्तान के लिए आवाज़ को पूर्ण रूप से उठाएं, यही मुख्य उद्देश्य।